किस तरह से आपको बर्बाद करता है, अगली रिपोर्ट में आप ये समझ जाएंगे। नशे को नर्क का दरवाजा कहा गया है। यदि इस बात को आपको प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उदाहरण आपको राजधानी रांची में ही नजर आ जाएगा, जहां एक नशेड़ी ने ना केवल अपने दुधमुहे बच्चे का सौदा कर दिया बल्कि अपने खून के रिश्ते में भी दाग लगा दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है टाटी सिल्वे का सनीचर, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके कारनामे सुनकर शायद शनि महाराज को भी घबराहट हो जाए। इसने शराब के नशे में वो काम कर डाले जिसे सुनकर आम आदमी की नजरें शर्म से झुक जाए। इसने अपने 5 महीने के बच्चे को जिंदा दफनाने की कोशिश की और बाद में शराब के लिए उसे 5,000 रुपए में बेच भी डाला। सोच के बोले कि चलो अपना बच्चा पाल नहीं सक रहा है, तो बोले हम लोग अपना लेके आएंगे तो हम अपना पलादारी करेंगे बच्चा सबको, कहे कि वो तो अपना बच्चा खो जाएगा। मतलब हम लोग को तो बच्चा पढ़ना है ना, किसी का बच्चा भी है, मतलब हम लोग तो पाल रहे ना। बच्ची के साथ वो गलत करता था, अपनी माँ के साथ करता था। हम लोग को तेरा पता नहीं था, हम लोग को जब दूसरा लोग आया उधर से ना, तब हम लोग को बताया, तब हम लोग गए वहाँ। अच्छा, तब वो लोग बोल रहा है कि बच्चा कोई लोग पालने नहीं सकेगा, सो ले जाओ तो लोग पालो, ऐसा का तो बोलो। मेरा नाम ननद है, मेरा हस्बैंड का बाहर दादू, मैं पूजा नाम है, ऐसा का नाम बोलते घर में। तो क्या कुछ लोगों उसको इतना नहीं जानते, बोलता था पैसा मांगता था, बोलते कि ये कितना है ना, सारा बुरा तो मांग दे, मांगा है सनीचर। शराब के नशे में जानवर से भी बदतर हो जाता है। नशे में इसने अपने सगे खून पर भी धब्बा लगा दिया। अब ना तो उसे आपको बता सकते हैं और ना ही दिखला सकते हैं, क्योंकि सब समाज में ऐसे रिश्तों की अपवित्रता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुष्कर्म क्या है, तो सत्य में सुतौला नहीं तोर बेटा, हम जानते तो अब तक काहे नहीं ये किसी को बोली, कुछ काहे नहीं बोला था। डर से बता दी, काम नहीं कर सकते, डर से नहीं बोलती थी, मारता था नहीं सोता है तो। अच्छा, अगर सोने नहीं दे तो मारता था। रात के पैदा की है, इससे कब भी रो रही थी, परसों भी रो रही थी, माँ कह रही थी अगर हड्डी हड्डी तोड़ देता था, नहीं सोता था। जाही इधर देखिए, फुला दिया इधर, फुला दिया। सनीचर आज सलाखों के पीछे है। शायद वो पहली बार बहन, बेटी और बीवी होगी जो उसे जेल जाने से दुखी नहीं है, और हर किसी की यही बद्दुआ है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।